बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मेजर कन्फ्यूजन यहाँ पे हमारे पास ये है कि DU एडमिशंस 2021 ने तो हमें ये शेड्यूल दे दिया, इस हमारे PG एडमिशंस 26 जुलाई को, MPhil PhD एडमिशंस 26 जुलाई को और अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस अगस्त 2 को स्टार्ट हो रहे हैं, मान के हम चल रहे हैं इसके अंदर कि तुम्हारे पास 31 जुलाई तक, ये तो बोल ही रहा है। मैंने तुम्हें UGC का पढ़ाया था ना नोटिस, UGC का नोटिस तो बोल ही रहा है कि 31 जुलाई तक तुम्हारे पास सारे बोर्ड के एग्जाम के जितने भी तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट है, जो भी तुम्हारा इवैल्यूएशन डिफरेंट इवैल्यूएशन पॉलिसी के हिसाब से जो तुम्हारा रिजल्ट बनता है वो 100% आएगा ही आएगा। तो रिजल्ट तो 31 जुलाई तक आ जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है, सर रिजल्ट का मैं क्या करूँ, आप मेरे को ये बताओ रिजल्ट मेरा अच्छा नहीं आया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू वॉन्ट टू री अटेम्प्ट योर एग्जाम, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे रखी है कि 15 सितंबर 2021 तक आपके पास री एग्जाम हो रहे होंगे, राइट? ये बात सही है। अब 15 अगस्त 2021 से लेकर 15 सितंबर 2021 तक अगर आपके री एग्जाम होंगे, तो हमारी दोबारा वही क्वेरी आ जाती है, सर तो फिर मैं इसमें एडमिशन लेने के लायक हूं भी या नहीं हूं, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं मैं तो अपना लास्ट डेट 31 अगस्त तक खत्म कर रहे हैं हम, और यहां पे 31 अगस्त तक हमारे तो एग्जाम अभी चल ही रहे होंगे, हमारे तो 15 सितंबर को खत्म होंगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब हम लायक होंगे भरने के लिए। क्या भरने के लिए लायक होंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स, क्योंकि जब ये फॉर्म्स इतनी लेट खुल रहे हैं, इतनी लेट खुलने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि तुम्हारे रिजल्ट एक बार आएगा फिर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स भरोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म जब तुम भरोगे ना उसके अंदर तुम्हारे क्लास 12 के मार्क्स डाले जाएंगे, फिल करे जाएंगे, फॉर्म तभी कंप्लीट माना जाएगा। तो 15 सितंबर के बाद रिजल्ट आएगा, तब तक क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म जो है वो खुले होंगे? तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है इसके ऊपर कोई कंक्रीट आंसर अभी तक नहीं आया है, अगर 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, यू विल हैव टू कीप योर होप्स हाई कि तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद, इफ यू आर अनसेटिस्फाइड, तुमने ये री एग्जाम दे दिए, तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद तुम्हें गारंटीड, मेरे हिसाब से 100% तुम्हें कुछ ना कुछ चांस दिया जाएगा कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 में अप्लाई कर सको। अदरवाइज एक बच्चा कह सकता है, एक स्टूडेंट कह सकता है कि मेरे साथ बहुत अनफेयरनेस करी जा रही है, मुझे री एग्जाम देने हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे को री एग्जाम देने हैं, वेल एंड गुड। पर री एग्जाम देने के बाद अगर तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं एकेडमिक सेशन 2021-22 में एडमिशन ले ही नहीं सकता, तो ये तो बहुत अनफेयर है, ऐसा मेजरली नहीं हो रहा होगा। ये फेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी UGC और जो भी तुम्हारा बोर्ड रेलेवेंट बोर्ड है जहां से तुमने अपने एग्जाम दिए, जहां से तुम्हारी मार्कशीट बन के आ रही होगी, ये सब इस फैक्ट को कंसिडर करने वाली है, फिर तुम्हें एक और चांस दिया जाएगा, ये मेरी प्रोजेक्शन कहती है। प्रोबेबिलिटी मोस्टली ये है कि तुम्हें चांस दिया जाएगा और तुम्हें कह दिया जाएगा ठीक है अब तुम फॉर्म भरो, तुम्हारे लिए स्पेशल कट ऑफ निकाली जा सकती है, फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ शायद तुम्हारी मिस हो जाए, बट तुम्हारी स्पेशल कट ऑफ निकाली जा सकती है कि जिन बच्चों ने री एग्जाम दिया है इनकी स्पेशल कट ऑफ निकालो एक बार, राइट? तो उस केस में 100% मुझे लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी, 100% मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसके बारे में रिजॉल्ट निकलेगा और स्टूडेंट्स विल हैव टू बी होपफुल। तुम्हें ये बात समझ के चलनी पड़ेगी जब तुम्हारे हाथ में CUCT नहीं है, क्लास 12 के मार्क्स भी नहीं है, तो हमारे लिए एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। मैं तो हर स्टूडेंट को कहूँगा अगर आपको हल्का सा भी शक हो रहा है ना कि नहीं यार मेरे क्लास 12 के मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मेरी पूरी लाइफ डिपेंड करती है इसके ऊपर, मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँगा या नहीं जाऊँगा ये सब डिपेंड करता है, तो तुम्हें ये ऑप्शन ज़रूर अवेल करना चाहिए। ये ऑप्शन बम्पर है, लास्ट चांस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कह रहे हैं कि नहीं यार मैं डिजर्विंग हूँ पर मुझे डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल रहा, मेरे परसेंटेज बहुत लो रह गई, मेरे क्लास 11 में अच्छे नहीं हो सकते, क्लास 10 में इतने अच्छे नहीं हो सकते, मेरे क्लास 12 के प्री बोर्ड्स तक इतने अच्छे नहीं हो सकते, मैं तो वेट कर रहा था नवंबर आए उसके बाद मैं स्प्रिंट मारूंगा। और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर नवंबर तक तुम ज़्यादा खास पढ़ते नहीं हो, तब तक तुम्हारे एक प्री बोर्ड हो चुके होते हैं, उसके बाद जो प्री बोर्ड होते हैं तुम थोड़ा सीरियस होना शुरू करते हो, फिर बोर्ड्स में आते आते तो तुम ठोक देते हो 95-98%, 99%, 97%। तो ये वाले बच्चों की जो स्ट्रैटेजी है जो लास्ट में स्प्रिंट मार के मार्क्स आते हैं उनकी स्ट्रैटेजी ये वाली फेल हो चुकी है इस साल, इसको तुम लक बोल सकते हो, विजडम बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो बोलो, डेस्टिनी बोल सकते हो, उनके लिए अल्टीमेटली ये चॉइस अभी भी बाकी है। अब
गवर्नमेंट बोलती है कि अगर सिचुएशन कंड्यूसिव होती है तो हम 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में हर स्टूडेंट को चांस देंगे, अगर जो भी स्टूडेंट्स अनसेटिस्फाइड हैं वो री एग्जाम दे पाएं। आई होप ये कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है, आई होप ये एग्जाम्स री एग्जाम्स हो रहे हों, और जितने भी लोग सोच रहे हैं कि नहीं मैं दोबारा आई वॉन्ट टू रीअपियर फॉर एग्जाम्स, मेरे को एग्जाम्स देने ही देने हैं और मेरे को क्लास 12 के मार्क्स मेरे खुद के बल पे आने चाहिए, किसी क्लास 10th या 11th के बेसिस पे नहीं आने चाहिए, तो यस उनको एक फेयर चांस मिलना चाहिए क्लास 12 के मार्क्स इंप्रूव करने का, क्लास 12 के नए री एग्जाम अटेम्प्ट करने का, और क्लास 12th के एग्जाम देने के बाद यूजी एडमिशंस में भी अप्लाई करने का फॉर द सेशन 2021-22। ये मेरी अपील भी है और मैं ये होपफुल हूँ कि ऐसा हो रहा होगा।